हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी, रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, कैलेंडर। उसी के बारे में अपन आगे आज अध्ययन करेंगे। तो देखो, कल अपन ने प्रश्न देखे थे कि जो भी अपन कोई भी एक निश्चित ईयर ले रहे थे, निश्चित डेट ले रहे थे, निश्चित मंथ ले रहे थे, किस चीज के, साधारण वर्ष के, और अपन वार देख रहे थे कौन सा कब आ रहा है। मैंने एक चीज बताई थी कि साधारण वर्ष की जब आप बात करते हो तो एक साधारण वर्ष से आगे वाले वर्ष में जब आप जाते हो तो एक बार बढ़ जाता है या एक दिन बढ़ जाता है। मतलब जो भी मान लो कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है, 1 जनवरी को अगर सोमवार है 2001 में, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा, सोमवार से आगे वाला दिन कौन सा, मंगलवार होगा। और ऐसे ही आप साधारण वर्ष में अगर एक वर्ष पीछे जाते हो तो जो भी वार होता है अपने, जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 1 जनवरी 1999 को या 2000 को क्या होगा, सोमवार से पहला दिन कौन सा, रविवार होगा। ठीक है, तो साधारण वर्ष के बारे में मैंने बता दिया था कल। आज अपन बात करेंगे लीप वर्ष की। किसकी बात करेंगे, लीप वर्ष की अपन बात करेंगे आज। ठीक है, तो लीप वर्ष के बारे में अपने को पहले नियम पता होना चाहिए। लीप वर्ष होती क्या है ये तो पता है ना, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए और शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखो, लीप वर्ष की अपन जब बात करें तो एक लीप वर्ष से, आगे एक वर्ष जाने पर 2 दिन बढ़ जाते हैं, 2 दिन बढ़ जाते हैं तथा एक वर्ष पीछे आने पर 2 दिन कम हो जाते हैं। देखो, इस बात को अपने को समझना है। जब आपको एक लीप वर्ष दे रखा है प्रश्न में, जैसे 2004 का एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष जब आपको दे रखा है और वो पूछे आपको कि 2004 से आपको 2005 में जाना है, 2004 से 2005 में जाना है, तो जो भी वार होगा 2004 में कोई निश्चित तारीख में, तो आगे वाले वर्ष में जब आप जाओगे एक साल बाद, तो क्या हो जाएगा, जो भी आपको लीप वर्ष में वार दे रखा है उससे 2 वार आगे लिखो, 2 वार आगे लिखो, 2 दिन बढ़ा के लिखो। और अगर आप एक वर्ष पीछे जाते हो तो 2 दिन क्या कर दो, कम कर दो। ये बात नोट लगा के लिख लेनी। ठीक है, इस बात को अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा अपन समझेंगे। देखो, जैसे मैं बात करूं 15 सितंबर 2000 को, क्या है, मंगलवार 15 सितंबर 2000 को क्या है, मंगलवार है। तो बताओ, 15 सितंबर 2001 को कौन सा वार होगा। प्रश्न क्या है अपने एग्जाम में कि 15 सितंबर 2000 को अगर मंगलवार है तो 15 सितंबर 2000 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। पहले तो हमें ये देखना है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। अगर ये साधारण वर्ष है तब तो अपन इससे एक वर्ष बाद जाएंगे तो एक ही दिन बढ़ाएंगे। अगर ये लीप वर्ष है तो देखो 2000 क्या है, एक लीप वर्ष कैसे है, देखो 2000 अपने आप में क्या है, एक शताब्दी। तो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कब होगी, जब 400 का अपन क्या देंगे, भाग देंगे। तो 400 का जब अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना। तो 5 बार भाग गया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया है, तो इसका मतलब क्या है, 2000 जो वर्ष है वो क्या है, कि लीप शताब्दी वर्ष है।
तो हमें पता है एक लीप वर्ष से आगे एक वर्ष आगे जाने में दो दिन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, दो दिन बढ़ जाते हैं, पता है ना हमें, दो दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो 2001 लीप वर्ष है कि नहीं, इससे एक वर्ष बाद देखो 15 सितंबर 2000 से 15 सितंबर 2000 तक कितना वर्ष हो जाएगा, एक वर्ष हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो हमें पता है लीप वर्ष में दो दिन बढ़ाते हैं, तो क्या मैं मंगलवार से आके दो दिन देखो, मंगलवार फिर बुधवार फिर गुरुवार, तो दो दिन हो गए ना, ये दो दिन बढ़ गए ना। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन दो दिन नहीं बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, देखो आप लीप वर्ष में दो दिन आगे क्यों जाते हो भाई, देखो साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की, तो पहला दिन मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर को बार क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। अगर फर्स्ट जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार होगा, होगा कि नहीं। लेकिन जब आप एक लीप वर्ष की बात करते हो तो जो ये सोमवार है ये कितनी तारीख को हो जाएगा, 30 दिसंबर को, क्यों, क्योंकि एक दिन 29 जनवरी का बढ़ गया, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर सोमवार से आगे क्या, मंगलवार, ठीक है। अब एक जनवरी दूसरी साल की, देखो एक जनवरी आगे वाले साल की, इसको क्या हो जाएगा, मंगलवार के बाद में क्या, बुधवार, तो इस कारण से दो दिन क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और साधारण वर्ष में केवल क्या बढ़ता है, एक दिन आगे, क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर को बार क्या होता है, सेम। और एक लीप वर्ष में क्या होता है, एक जनवरी और 30 दिसंबर को क्या होता है, बार समान होता है। आगे क्या बात समझ, तो देखो मैं यहां पे दो दिन क्यों नहीं बढ़ाऊंगा ये चीज समझो। देखो आप दो दिन क्यों बढ़ाते हो आगे 29 फरवरी के कारण, क्योंकि एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब एक बात बताओ, 15 सितंबर से पहले आता है क्या 29 फरवरी या बाद में, पहले आएगा ना, तो बताओ 15 सितंबर के बाद में कहीं पे भी 29 फरवरी आएगा क्या, नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि 2000 वर्ष में है 29 फरवरी, तो आगे 2001 में 29 फरवरी नहीं है, इसमें तो क्या केवल क्या है, फरवरी 28 दिन की है। तो बताओ इस दिन से इस दिन तक अब अगर अपन दिन गिनेंगे तो कितने आएंगे, 365 दिन आएंगे कि नहीं, आएंगे ना, क्योंकि 29 फरवरी इस डेट में शामिल नहीं हुई। तो जब भी आपको एक वर्ष का आंकड़ा मिले और 29 फरवरी जब आपको शामिल ना हो उस प्रश्न में, तो आपको दो दिन आगे नहीं बढ़ाने, केवल कितने दिन आगे बढ़ाने, केवल एक दिन, क्योंकि वो क्या बन जाती है फिर साधारण वर्ष। लीप वर्ष क्यों बनती है, इस 29 फरवरी के कारण। जब 29 फरवरी इस क्वेश्चन में शामिल ही नहीं है तो बताओ अपन इसको लीप वर्ष मानेंगे क्या, 2000 तो अपने आप में है लेकिन ये जो पूरा जो साल है 15 सितंबर से 15 सितंबर तक, इसमें एक दिन फालतू नहीं है, इसमें केवल कितने दिन है, 365 दिन। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले अपन गलती करते हैं यहीं पे आके, क्योंकि जब आपको लीप वर्ष मिलता है तो आप बिना कुछ सोचे समझे सीधा ऑप्शन पे जाते हो, देखते हो कि 2000 है, ठीक है लीप है, लीप से एक वर्ष आगे जा रहा है तो मंगलवार से दो दिन बढ़ा दो आगे, और उत्तर क्या लेके आते हो आप, गुरुवार, क्योंकि ऑप्शन में भी क्या होता है, गुरुवार होता है। तो ये चीज गलत है, हमेशा देखना है कि जब एक लीप वर्ष आई है तो उस लीप वर्ष से लीप वर्ष में 29 फरवरी काउंट होती है या नहीं, यह देखना अपने लिए जरूरी होता है। तो जब 29 फरवरी एक साल में शामिल न हो तो उसको क्या मान लेंगे, साधारण वर्ष, और क्या बढ़ाएंगे, दो दिन की जगह केवल एक ही दिन। तो देखो इस प्रश्न में दो दिन की जगह में क्या बढ़ाऊंगा, केवल एक दिन, तो मंगलवार और एक दिन बढ़ाऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुधवार। तो उत्तर अब क्या हो गया अपना, बुधवार। देखो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब एक लीप वर्ष आए और लीप वर्ष से एक साल आगे जाना हो तब 29 फरवरी अगर शामिल ना हो
तो हमेशा उस साल को क्या मान लो, एक साधारण वर्ष मान के केवल एक ही दिन बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि साधारण वर्ष में एक ही दिन बढ़ाते हैं। आगे क्या बात समझ में? तो ये लीप वर्ष तो था लेकिन इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आया? बुधवार, ठीक है। गुरुवार ऑप्शन में मिलेगा, ये गलत होगा, फिर घर पे आके मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये इस कारण से आ रहा है अपने को, लेकिन ध्यान में नहीं दिया। आगे क्या है समझ में? आगे वाला देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, क्वेश्चन है देखो, मैं कुछ एक काम रहे हैं जो चेंज कर देता हूं। देखो अपन आगे वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो एक नए क्वेश्चन में क्या है अपना, 15 अप्रैल 2004 को क्या है? रविवार। क्या लिया है? रविवार, ठीक है। 15 अप्रैल 2004 को अगर रविवार है तो 15 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? क्या है अपना प्रश्न? 15 अप्रैल 2004 को अगर रविवार है तो 15 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा? तो अपने को वार ज्ञात करना है। वही पहले तो देखो, जो ये साल है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? तो 2004 कौन सी ईयर है? लीप वर्ष। क्यों है? क्योंकि इसमें चार का पूरा पूरा भाग जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो, मैं एक वर्ष पीछे जा रहा हूं या एक वर्ष आगे जा रहा हूं, ये ध्यान में रखना है पहले। तो 2004 से 2003 में जा रहे हो तो क्या कर रहे हो? दो साल, एक साल पीछे जा रहे हैं ना अपन। तो हमें बताया एक लीप वर्ष में एक वर्ष पीछे आने पर 2 दिन क्या होते हैं? कम होते हैं। तो 15 अप्रैल 2004 से 15 अप्रैल 2003 तक क्या चले गए अपन? एक वर्ष पीछे। लीप वर्ष से पीछे गए, ये बात अपन ने समझ में आ गई। अब देखना है कि इसमें 29 फरवरी शामिल है या नहीं, क्योंकि अगर 29 फरवरी इसमें शामिल नहीं होगी तो कौन सी ये बन जाएगी? साधारण वर्ष। तो देखो, 15 अप्रैल से पीछे चलोगे आप 15 मार्च, फिर पीछे 15 फरवरी, तो बताओ 15 मार्च से 15 फरवरी तक बीच में आ जाएगी ना फरवरी, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी इस क्वेश्चन में क्या होगी अब? शामिल। 29 फरवरी इसमें क्या है? शामिल है। तो शामिल है, इसका मतलब क्या बन गई है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में हमें पता है एक वर्ष पीछे जाने पर अपन कितने बार कम करते हैं? 2 दिन। तो 2 बार कम करो, रविवार है, रविवार से पहले कौन सा बार होता है? शनिवार। शनिवार से पहले कौन सा होता है? शुक्रवार। तो अपना उत्तर क्या हो गया अब? शुक्रवार। हमेशा ध्यान में रखना है जो भी वर्ष दे उसको देखो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। अगर वो लीप वर्ष है उससे पीछे जाना है तो 2 दिन क्या करने अपने को? कम। अगर आगे जाए तो 2 दिन बढ़ाना है। तो लीप वर्ष की पहचान करने के बाद में देखो, क्वेश्चन में जो एक साल का आंकड़ा दिया है उसमें 29 फरवरी शामिल है या नहीं। अगर 29 फरवरी शामिल है तभी इसको अपन लीप वर्ष मान के क्या करेंगे? 2 दिन पीछे जाएंगे। और अगर 29 फरवरी शामिल नहीं है तो अपन केवल कितने दिन पीछे जाएंगे? एक ही दिन पीछे जाएंगे। तो समझ में आया क्या ये उत्तर? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? शुक्रवार। आ गया समझ में? आगे एक क्वेश्चन और देखो, ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, 15 फरवरी 2008 को सोमवार है, 15 फरवरी 2008 को अगर सोमवार है तो, या यहां पे और कुछ ले लो जैसे 1 जनवरी ले लो, ठीक है। फिर क्या करना है? 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ?
कौन सा वार होगा? क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा? तो पहले तो हमें ये पता करना है कि ये एक लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो कौन सा ये रहा है? ये 4 का भाग जाता है, इसका मतलब कौन सी है? लीप वर्ष। आ गया समझ में? फिर देखना है पीछे जाना है या आगे, तो पीछे जाना है, इसका मतलब 2 दिन क्या करने होंगे? कम। लेकिन इससे पहले अपने को क्या चेक करना है, इसमें 29 फरवरी शामिल है या नहीं। तो बताओ 1 जनवरी 2008 से पीछे 1 जनवरी 2007 तक जाने में क्या 29 फरवरी शामिल है क्या? 1 जनवरी, फिर 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, ये तो अपन आगे जाते 2008 से अपन 9 तक जाने में तब आता है ये तो, लेकिन अपन पीछे जा रहे हैं तो 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 1 नवंबर ऐसे आता ना, तो इसमें क्या क्या शामिल नहीं है? 29 फरवरी शामिल नहीं है, 29 फरवरी शामिल नहीं है। तो जब 29 फरवरी शामिल नहीं है तो इस वर्ष को अपन क्या मानेंगे? एक साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष मानते हैं, क्या करेंगे, एक साल पीछे आने में क्या करते हैं, 1 दिन कम करेंगे, ना कि 2 दिन। तो सोमवार है, सोमवार से पहले 1 दिन कौन सा वार होगा? रविवार। और अपना उत्तर भी क्या हो जाएगा? रविवार। आई क्या ये बात समझ में? इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं है, एक वर्ष पीछे जा रहे हैं, तो जब 29 फरवरी शामिल नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष मान के 1 दिन कम कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी को देखो, मैं एक वर्ष आगे ले जाता हूं। देखो यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। देखो मैंने यहां पे कर दिया 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? तो बताओ ये वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? लीप वर्ष है। ठीक है, तो हमें पता है कि लीप वर्ष से आगे एक वर्ष जाने पर कितने दिन बढ़ाते हैं? 2। लेकिन ये दिन बढ़ाने से पहले क्या चेक करना है कि इसमें 29 फरवरी शामिल है या नहीं। तो देखो 1 जनवरी के बाद क्या आएगा? 1 फरवरी, 1 फरवरी के बाद क्या आएगा? 1 मार्च। ऐसे ऐसे करते करते आगे वाले साल की जनवरी आएगी ना, तो बताओ यहाँ पे फरवरी शामिल हुई कि नहीं? हो गई ना, तो फरवरी शामिल हो गई, इसका मतलब इसमें फरवरी कितने दिन की है? 29 दिन की, तो 29 फरवरी क्या है इसमें शामिल। अगर 29 फरवरी शामिल है तो इसको अपन क्या मानेंगे? लीप वर्ष। और आगे जाने में क्या करेंगे? 2 दिन बढ़ाएंगे। तो देखो ये लीप वर्ष हो गई, एक वर्ष आगे जा रहे हैं अपन, तो जब एक लीप वर्ष से आगे एक वर्ष जाते हो तो आप कितने दिन बढ़ाते हो? 2 दिन। तो हमें 2008 को सोमवार दे रखा है, 2 दिन आगे जाओ मंगलवार, फिर क्या आएगा? बुधवार। तो बताओ अपना उत्तर क्या होगा? आज बुधवार। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे लीप वर्ष होना ही काफी नहीं है 2 दिन बढ़ाने के लिए, यहाँ पे इस लीप वर्ष में 29 फरवरी शामिल होना भी क्या है? जरूरी है। समझा चुका हूं ये बात, आ भी गया होगा समझ में कि लीप वर्ष तभी बनेगी जब इसमें क्या शामिल हो? 29 फरवरी शामिल हो। तो लीप वर्ष याद कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ऐसा। फिर ये चीज तो लीप वर्ष में वार याद करना आपको समझ में आ जाएगा, एक वर्ष पीछे जाने में, 2 वर्ष पीछे जाने में, ऐसे ही आप क्या करते जाओ? कम ज्यादा करते जाओ। देखो मैं लिखो 15 फरवरी 2004 को क्या है? रविवार। ठीक है, 15 फरवरी 2004 को क्या है? रविवार। तो 15 फरवरी 2003 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? तो 2004 क्या है? लीप वर्ष।
हमें पता है एक साल ज्यादा हो रहा है या कम, तो एक साल कम हो रहा है लीप वर्ष से, तो दो दिन क्या करते हैं अपन कम, कब करेंगे, जब इस साल में क्या शामिल हो, 29 फरवरी। अब देखो इसमें 29 फरवरी शामिल है क्या, 15 फरवरी, आगे तो जा ही नहीं रहा ना, पीछे आ गया है, तो 29 फरवरी इसमें शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है इसका मतलब कौन सी वर्ष मानेंगे, साधारण वर्ष। और क्या करेंगे, रविवार है तो एक दिन पीछे जाओ, कौन सा वार होगा, शनिवार। उत्तर क्या हो जाएगा अपना, शनिवार। आगे क्या बात समझ में। अब देखो आप एक चीज भी कह सकते हो कि ये तो एक साल ही अपन पीछे गए, ऐसे ही अपन ज्यादा जाते तो ज्यादा जाएंगे तो भी यही फॉर्मूला होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं 2003 की जगह क्या कर दूं, 2001 कर दूं, क्या करूं 2001। तो देखो कैसे करेंगे, कितने साल हो जाएंगे इसमें, 2004 से 2001 तक आने में 3 साल पीछे गए अपन, 3 वर्ष पीछे गए ना, तो तीनों सालों का अध्ययन करो। देखो 15 फरवरी 2004 फिर क्या आएगा, 15 फरवरी 2003, ठीक है, एक वर्ष हो गया ना। अब बताओ इस पीरियड में 15 फरवरी 2004 से 15 फरवरी 2003 तक 29 फरवरी शामिल नहीं है ना, इसका मतलब वार क्या आएगा, केवल एक दिन पीछे, एक दिन पीछे। तो 15 फरवरी 2004 को रविवार है, तो 15 फरवरी 2003 को क्या हो जाएगा, शनिवार, ठीक है। फिर 15 फरवरी 2002 आ जाएगा, पीछे तो जा रहे हैं अपन। तो अब बताओ ये कौन सी वर्ष है, साधारण वर्ष, और ये भी कौन सी है, साधारण वर्ष। तो एक साधारण वर्ष से एक वर्ष पीछे जाने पर क्या करते हैं अपन, एक दिन घटाते हैं ना, तो एक दिन क्या कर दो यहां से कम, तो शनिवार से पहले कौन सा वार, शुक्रवार, हो गया ना। फिर 15 फरवरी 2001, तो बताओ 15 फरवरी 2002 एक क्या है, साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष से एक वर्ष पीछे जाना है तो क्या करना होता है, एक वार कम या एक दिन कम, तो शुक्रवार से एक दिन जब अपन कम करेंगे तो शुक्रवार से पहले क्या आता है, गुरुवार, गुरुवार। तो 15 फरवरी 2001 को क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो बताओ हार्ड है क्या, कुछ भी, कितने भी साल पीछे दे आपको, आप काउंट कर लो, लीप वर्ष जुड़े तब दो कर लो काउंट, ऐसे देखो 2004 से 2004 दे रखा है, फिर 2003, 2002, 2001, ये तक जाना है। तो यहां से यहां तक तो कितने काउंट करेंगे, एक ही, क्योंकि साधारण वर्ष है इसमें 29 फरवरी शामिल नहीं है। फिर 2003 से 2001 दो तक कितना, एक वर्ष, क्योंकि साधारण वर्ष से पीछे जा रहे हैं। फिर एक और साधारण वर्ष से पीछे, तो एक, कितना दिन आ गया, 3 दिन, एक दो और तीन, तो रविवार से पीछे कितने दिन चले जाओ, 3 दिन, तो रविवार से एक दिन पीछे करेंगे शनिवार, 2 दिन पीछे करेंगे शुक्रवार, और 3 दिन पीछे करेंगे गुरुवार। ऐसे ही आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से ऐसे आप वार याद करना सीख गए होंगे, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। हमेशा ध्यान रखना है कि लीप वर्ष तभी मान्य होगी जब उसमें क्या शामिल हो, 29 फरवरी शामिल हो, क्या शामिल हो, 29 फरवरी। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, अब अपन आगे वाले टाइप का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखो आगे वाले टॉपिक का अध्ययन अपन करेंगे कल आगे वाले वीडियो में, ठीक है। तो दो वीडियो आगे अपने कैलेंडर के, दोनों में मैंने लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर और वार ज्ञात करना आपको समझा दिया। आगे जो भी टाइप बनते हैं अपने आगे वाले वीडियो में अपन डालते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।